फ्रिक्शन का ये लेक्चर नंबर 3 है, आज हम इसमें सीखेंगे। अब तक हमने उसके 2 लेक्चर देख चुके। पहले वाले लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट को सीखा, दूसरे वाले लेक्चर में हमने ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जिसमें किसी ब्लॉक पे 2 फोर्स लगे हों, एक फोर्स पहले एक वाला फोर्स देखा, फिर 2 फोर्स लगे हों और शर्त ये थी, कंडीशन ये थी कि दोनों हॉरिजॉन्टल हों। अब हम देखेंगे कि फोर्स किसी एंगल पे लगा हो। एंगल का मतलब ये है कि अभी तक 2 आपने जो सीखे हैं उसमें या तो इधर लग रहा था या इधर लग रहा था या इधर लग रहा था, लेकिन अब इसको जो हम नया प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे उसमें हम सीखेंगे कि किसी एंगल पे लग रहा था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसी प्रॉब्लम से। इसमें फोर्स लग रहा है 10√2 का कितने एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर लग रहा है और कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.2। अब हमको यह पता करना कि यह ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहले चीज हम क्या करेंगे कि ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा, तो क्या देखेंगे, सबसे पहले हम मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें सबसे पहले आप नॉर्मल को निकालें, इसको इधर लिख देते हैं। सबसे पहले किसको निकालेंगे, नॉर्मल निकालेंगे। आप देखें जब कोई वेक्टर किसी एंगल पे लगा होता है तो सबसे पहले हम उसके कंपोनेंट को करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट करें, तो 10√2 का एक कंपोनेंट इधर होगा 10√2 cos 45 और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा 10√2 sin 45। cos 45 एक बार 10√2 तो 10√2/√2 ये इससे कैंसिल आउट हो गया और ये फोर्स लगा 10√2 sin 45 भी लिखेंगे, इसकी भी वैल्यू आएगी 1/√2, ये इससे कैंसिल हो गया। मतलब हमको 2 फोर्स मिले, एक 10 और दूसरा ये भी 10, कंपोनेंट क्या कर लिया हमने। अब देखिए इसका नॉर्मल लगेगा ऊपर, नॉर्मल लगा ऊपर। सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले नॉर्मल निकालते हैं। तो नॉर्मल देखें हम, देखिए ऊपर कोई मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा, ऊपर वाले फोर्स बैलेंस होंगे, मतलब ऊपर का कितना फोर्स होगा वो नीचे के फोर्स के इक्वल होगा। एन प्लस 10, ऊपर 2 फोर्स है एन और 10, नीचे कितना 40 है, एन बराबर कितना आया 40 - 10 बराबर ही आया 30। यहां तक ठीक। अब सेकंड हम क्या करते हैं, हम सेकंड ये करेंगे मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालें। एफ मैक्स ये होता है म्यू एन, म्यू कितना 0.2, एन कितना निकाला 30, तो ये आया आपका 6 न्यूटन। इस पूरे सिस्टम पे मैक्सिमम 6 न्यूटन का फ्रिक्शन लग सकता है, मैक्सिमम 6 न्यूटन का फ्रिक्शन लग सकता है। फिर से बना लें आप एफबीडी, देखिए 10 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल है ये वाला, अब वर्टिकल से हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब इसलिए नहीं है कि वर्टिकल में कोई मोशन नहीं होता, हमने नॉर्मल निकाल लिया। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आया 6 न्यूटन, मैक्सिमम फ्रिक्शन 6 न्यूटन आया। अब देखें हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 है, अब इसको रोकने वाला कितना है 6 न्यूटन है, तो ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा, मतलब ब्लॉक चलेगा, ये ज्यादा है और ये कम है, तो कितना एक्सेलरेशन से चलेगा एफ नेट बाई एम। एफ नेट इधर मूव कर रहा हूं तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेंगे, ये अपोज कर रहा है नेगेटिव ले लेंगे, एम कितना 4, आप सॉल्व करेंगे इसको आएगा 1 m/s। तो जब एक फोर्स लगा हो लेकिन वो किसी एंगल पे हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फोर्स के कंपोनेंट करेंगे, फोर्स के कंपोनेंट करने के बाद हम नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे।
नॉर्मल रिएक्शन में देखेंगे अपर में कोई मोशन, ऊपर कोई गथा नहीं, नीचे भी कोई मोशन नहीं, ऊपर वाले पूरा फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल होगा, इससे हम नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेंगे। फिर फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू हम पता करेंगे। अब देखें अगर ये 6 की जगह ये 5 न्यूटन होता, ये कितना होता 5 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होता, इसकी पूरी औकात 6 की है, 6 मैक्सिमम में लगा सकता है, तो जब ये 5 से खींच रहा है तो इसको रोकने के लिए ये कितना लगाएगा, तो ये भी 5 ही लगाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू भले ही 6 है लेकिन लगाएगा वो कितना 5 ही, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लिखते हैं आप 5 न्यूटन, और ये ब्लॉक चलेगा नहीं चलेगा, तो एक्सेलरेशन कितना होता जीरो। पूछ क्या रहा आपसे, फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा एफ आर, एक्सेलरेशन पूछ रहा, घर्षण बल पूछ रहा और त्वरण पूछ रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो फोर्स आए और दोनों एंगल पे लगे हुए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इनके कंपोनेंट को करेंगे। तो 53 और 37 वाला ट्रायंगल आप जान लें, ये 37, ये 53, ये 3, ये 4 और ये 5, ये होता है, इसको आप हमेशा याद रखें। तो आप पहले इस वाले फोर्स के कंपोनेंट करें, इधर तो हो गया 50 cos 53, और इधर करें तो ये हो गया 50 sin 53, इधर करें इसका देखें तो ये हो गया 10 sin 37, इधर का करें तो ये हो गया 10 cos 37, इसका वेट 50 नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, ये बन गया। अब इसका आप एफबीडी अलग से ड्रा कर ले, यहां बना के देख लेते हैं, उसी में करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। चलिए तो ये हो गया आपका 50 न्यूटन नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। अब इसको देखें 50 cos 37, 50 cos 53, cos 53 आधार बटे कर 3/5, तो ये हो गया 5 × 50 10 तिहाई 30 न्यूटन, ये वाला फोर्स हो गया आपका 30। ये वाला देख लें 50 sin 53, sin 53 4/5, ये हो गया आपका 40, ये आपका हो गया 40, इधर वाला काम हो गया। अब इस पे आ जाए, देखिए 10 cos 37, 10 cos 37 आधार बटे का 4/5, ये हो गया 8 न्यूटन, देखिए इधर हो गया आपका 8, 10 sin 37, 10 sin 37 3/5, इधर आपका हो गया 6, ये बन गया आपका। अब आप जैसे पहले करते थे वैसे आप कर सकते हैं इसको, देखिए ऊपर कोई मोशन है नहीं, ऊपर के सारे फोर्स बैलेंस होंगे, ऊपर कितना n प्लस 6 40 और ये हो गया आपका डाउनवर्ड 50, तो यहां से n निकाल लें 46, n आया 4, 4 न्यूटन आ गया। f मैक्सिमम कितना आएगा, म्यू n, म्यू कितना 0.5, एन कितना 4, तो यह आया 2 न्यूटन, मैक्सिमम फ्रिक्शन 2 न्यूटन का लग सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन 2 न्यूटन का लग सकता है, यहां तक ठीक है। ये तो ब्लॉक किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा, कितने न्यूटन का 2 न्यूटन का, और 8 पहले से इधर है, 8 पहले से इधर लगा है। एक्सेलरेशन एफ नेट बाय मास, एफ नेट कितना इस डायरेक्शन में चलेगा, तो ये हो गया पॉजिटिव, तो ये हो गया 30, 30 प्लस हो गया, अब इधर वाला 8 × 2 = 10, ये माइनस होगा 10/, कितना आया m
5, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला देखते हैं। चलो एक ब्लॉक है जिस पर 20 न्यूटन का बल इस डायरेक्शन में लग रहा है। आपसे पूछा जा रहा है फ्रिक्शन फोर्स कितना है, फ्रिक्शन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है। इस तरह के सिचुएशन में देखें, जब ब्लॉक पे फोर्स अंदर की ओर लगे, जैसे एरो जब ब्लॉक की ओर हो, एरो किधर हो, ब्लॉक की ओर, देखें इधर एक कॉर्नर की ओर आ रहा है। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान ट्रिक यह है, इसको यहां पे सुराख कर दो। क्या करते हैं, सुराख कर दो, तो ये फोर्स किधर होके जाएगा, इधर, तो यहां से निकलेगा, ये यहां से इस कॉर्नर से ये निकलेगा। तो दूसरा बनाते हैं, किस कॉर्नर से निकलेगा, इस कॉर्नर से, ऐसे हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना होगा, उतना ही होगा जितना इसमें है। कितने न्यूटन का ये, 20 न्यूटन का। ब्लॉक कितना है, 5 केजी का। यहां तक ठीक है। तो हमको इसमें क्या ध्यान रखना कि अगर एरो ब्लॉक की ओर आ रहा है, फोर्स का एरो ब्लॉक की ओर हो, तो वहां पे हमको क्या करना, छेद कर देना है और दूसरे एंड से निकाल लेना है। निकाल लिया, अब क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट करो। इधर का कंपोनेंट 20 cos 37 और इधर का कंपोनेंट 20 sin 37। 37 वाला टेबल आपको याद है, ट्रायंगल याद है आपको, नहीं याद है तो आप याद कर लें। ये 37, ये 3, ये 4, ये 5। आप कंपोनेंट करो इसको, सही से लिख लो। चलो 5 लिख लिया, 20 cos 37। cos 37 का मान यहां से देखें, cos 37 आधार बटे का 4/5, तो 20 4/5, 5 × 20, 4 × 16 न्यूटन इधर आया। अब देखिए इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, ठीक है, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो साइन 37 3/5। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन एन बार एन, ऊपर एक ही फोर्स है बराबर, 50 नीचे और फिर 12 भी नीचे, ये हो गया आपका 62 न्यूटन हो गया, ठीक है। अब मैक्सिमम फोर्स निकाल लें, एफ मैक्सिमम म्यू इंटू एन, म्यू कितना 0.562, तो ये हो गया 31 न्यूटन। मैक्सिमम फोर्स कितना आ गया, 31 न्यूटन, ठीक। फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, 31 है। अब देखिए आप इधर हॉरिजॉन्टल फोर्स या क्षैतिज बल कितना है, 16। इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन कितना फोर्स लगाएगा, 31 थोड़े लगाएगा, कितना लगा देगा कि ये रुक जाए, 16 ही तो लगाएगा, तो 16 इधर लगा दिया, 16 लग गया, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, 16। आप लोग गलती है ना करिएगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू निकले वही फ्रिक्शन की फोर्स, नहीं, वो तब आएगा जब फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स से कम हो, तब ये मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे। यहां देखिए अप्लाइड फोर्स 16 है, मैक्सिमम वैल्यू 31 है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, 31 में से 16 ही तो देगा इसको। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, देखें इस फोर्स का एरो ब्लॉक की ओर है, इस फोर्स का एरो किधर है, ब्लॉक की ओर है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहां पे हम सुराख करके इसको इधर से निकाल देंगे, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये कितना 37, ये कितना 40, ठीक। तो ऐसा तब करिएगा कि जब ब्लॉक पे फोर्स लगा हो और उसकी उसका डायरेक्शन ब्लॉक की ओर हो, तो आप क्या करेंगे, वहां पे सुराख करके उसको अगली तरफ से निकाल देंगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। इसके कंपोनेंट क्या है, 40 cos 37, टेबल आपको याद ही हो गया होगा। तो cos 37 4/5 नहीं आ रहा, देख लें, ये 37 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5। cos 37 आधार बटे का 4/5, 4/5 ये बना आपका 40 × 4/5, 5 × 40 = 38 न्यूटन। sin 37 3/5, 5 × 40 = 24,
कुल मिला के इसको हम ऐसे बना लें, ऐसे तो नीचे इसका वेट लगा 50, इस साइड में हो गया 32 न्यूटन, अपर साइड में हो गया 24 न्यूटन और अपर साइड में हो गया आपका नॉर्मल। तो ऊपर कोई मोशन आया नहीं, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा, एन प्लस 24 बराबर 50, एन बराबर आपका आ गया 26। एफ मैक्सिमम की वैल्यू निकाल लें, एफ मैक्सिमम म्यू इंटू एन, म्यू कितना दिया 0.5, एन दिया है 26, तो ये हो गया 13 न्यूटन। एफ मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई 13 न्यूटन। ठीक है, अब देखें हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्स है, हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्स है 32, और पीछे कितना फोर्स लग रहा है इसके अपोज करने वाला। अब ये देखिए ये 32 है, 32 से इधर खींच रहा है, अब इसके पास कितना है 13 ही है, तो ये 13 पूरा लगा देगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया, ये हो गया 13 न्यूटन। एक्सेलरेशन हम निकाल लें, एफ नेट डिवाइडेड बाई एम, एफ कितना, एफ नेट कितना, देखिए इधर चलेगा तो 32 पॉजिटिव हो गया, 13 नेगेटिव हो गया, एम कितना है 5, तो 32 में से 13 घटा, क्या दोनों में एफ आर समान होगा। ठीक, नंबर दो, क्या दोनों समान एक्सेलरेशन से चलेंगे, नंबर तीन, ये कम बल लगने का मतलब कि इसको करना आसान है कि इसको करना आसान है, ढकेलना इधर आसान है या खींचना आसान है। तो आप देखिएगा जब दोनों का फोर्स निकालेंगे तो जिसका फोर्स ज्यादा आएगा मतलब उसको करना मुश्किल है, जिसका फोर्स कम आएगा उसको करना आसान है, चाहे ऐसे कर लेंगे या ऐसे देख लेंगे, अगर दोनों का त्वरण समान आया, दोनों त्वरण समान आया तो दोनों बराबर होंगे, अगर दोनों का त्वरण समान नहीं है तो दोनों बराबर नहीं होंगे, तो इसको करने की कोशिश करिएगा। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अगले लेक्चर में हम इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।